तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 6 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो काफी शानदार और थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज है संडे। संडे को फंडे बनाते हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और उस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएंगे जो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करके जाने वाला है। अगर जिंदगी में आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोगों को किस चीज से डर लगता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग अगर उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आप लोगों की जिंदगी में यार ये बहुत बड़ा डर का रीजन है, तो आप लोग उसको फिर उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। एक ऐसा ही आर्टिकल आज दे रखा है द हिंदू के द्वारा, और वो जो आर्टिकल था वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इससे आप लोगों को अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी खोजने के तरीके पता चलेंगे जो कि आप लोग नहीं कर पाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजंस क्या है जिनकी वजह से आप लोग नई नई चीजों को ट्राई नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। इसी के साथ में यहां पर ये तो आर्टिकल हो जाएगा, ये जो बेसिकली जो मैं डिस्कस करूंगा जिसके बारे में अभी बताया, एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा मोबाइल फोन एडिक्शन को लेकर। ये आप लोगों की मेमोरी, आप लोगों की लाइफ, आप लोगों के टाइम, आप लोगों की हेल्थ को किस तरीके से किल कर रहा है, कुछ इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। बेसिकली आप लोगों को एग्जाम में अगर बात करें, जिस तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस अगर आप लोग देना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं मेहनत करते रहोगे, पर लेकिन आप लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंचोगे जो आप लोगों को सिलेक्शन के लिए जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ पर, ये बात करेगा एडिक्टेड टू वर्क। कई बार आप लोगों ने लोगों के नाम सुने होंगे कि यार ये वर्कहोलिक है, यानी कि इसको ना 24 घंटे काम में घुसा रहना पसंद है। अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। समझेंगे आखिर क्या सही है और क्या गलत है और कैसे आप लोगों को चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। बहुत ही कुछ आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा इसके बारे में, समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर आप लोगों को देने। और यहाँ पर 4 आर्टिकल है यहाँ पर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो 4 आर्टिकल है ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहाँ पर नहीं डालेंगे। एक बात करें वंदे भारत ट्रेन के बारे में, वंदे भारत ट्रेन जो है हमारी कंट्री में अभी क्यों न्यूज में आ रखी है उसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। एक आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है अभी क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगा है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। समझेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में एक नया एंगल में आप लोगों को बताऊंगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा यार चाइना के साथ में व्यापार बढ़ रहा है, पर लेकिन क्या ये व्यापार बढ़ना चाइना के साथ में हर टाइम घाटे का सौदा होता है? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों, तो जानेंगे सारी बातें। और खासकर अगर आप लोग आज की डेट में कोई इंटरव्यू आप लोगों से लेने लगे और आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, तो आप लोगों को उस तरीके से जवाब देना है कि उसको लगे कि हाँ ये इंसान जो है पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि कहीं से रटपट के आ गया है। तो वो वाली फीलिंग कब आएगी आप लोगों को? जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक की सारी डायमेंशन आप लोगों को पता होगी, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। हवाना सिंड्रोम क्या है यहाँ पर, ये साइंस एंड टेक के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है, तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों से नजर डालूंगा। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके यहाँ पर इनको देखेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कई सारे और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे, जैसे एक टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ठीक है, राजस्थान के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में जो ईरान को लेकर क्या मुद्दे हैं वो हम लोग बात करेंगे। म्यांमार के अंदर कुछ इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके अंदर कई सारी चीजें हैं वो हम लोग बात करेंगे। यानी कि काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले आज ही के न्यूज़पेपर की ये पिक्चर है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के कंफर्ट जोन से बाहर आने में हेल्प करेगी। मैं आप लोग कहता हूं कि मॉर्निंग में एटलीस्ट मिनिमम कम से कम सुबह 6 बजे आप लोग उठ जाइए, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि बड़ी टास्क दे दिया हमसे, तो ये हो ही नहीं पाएगा। आप लोगों को उससे तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप लोग अपने उस माइंडसेट को चेंज नहीं करने वाले हो। सोचो आप लोगों को रजाई में घुसे घुसे आज के डेट में सर्दी लग रही है, और ये हमारी कंट्री के आर्मी के जवान हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कहां पर आर्मी के जवान हैं? कश्मीर वाले रीजन में, गुलमर्ग वाले रीजन में। और यहां पर बर्फ का टेम्परेचर आप लोगों को पता है, यहां पर जो बर्फ है उसका टेम्परेचर अगर बात करें, यहां पर मौसम का टेम्परेचर क्या है वो है -9.8, ठीक है। और आप लोगों के पास में मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं आप लोग सर्च करो अभी कि टेम्परेचर क्या है आप लोग के एरिया में। गूगल पर जाकर बोल सकते हो कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन माय एरिया, या फिर जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम लगा सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन जो भी स्टेट में आप लोग रहते हैं, ठीक है, उसका नाम ले लीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग उस टेम्परेचर भी अपने आप को अनकंफर्टेबल कर पा रहे हैं इस टेम्परेचर पर, जब यहाँ पर लोग जो है उसके माइनस टेम्परेचर में भी अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यार जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के माइंड के साथ में जुड़ी होती हैं, और आप लोग जैसी धारणा बना लेते हैं वैसी चीजें आप लोगों की जिंदगी में चलने लगती हैं। तो जब तक आप लोग इस धारणा को नहीं छोड़ोगे तब तक आप लोग कभी भी लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, और जो टारगेट आप लोग अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालो। अगर कुछ डिसाइड किया तो उस काम को करने की कोशिश करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट, अगर नहीं हो पा रहा है फिर से ट्राई करना। एक छोटी सी अगर मकड़ी का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा बचपन में,
कि एक मकड़ी थी दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, एट द एंड ऑफ द डे वो चढ़ जाती है दीवार पर। तो राजा उससे सीख लेता है कि तू एक बार हारकर भाग गया, जो राजा उस गुफा में छिपकर उसको देख रहा होता है। तो यहां पर पता चला कि राजा फिर जाकर अपनी सारी जो भी रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा किया और फिर से वार पर चला गया और उसने वो वॉर जीती। तो मैक्सिमम टाइम हम जो है खुद अपने आप को यहां पर रोक पा रहे होते हैं, और यही बात यहां पर बोली गई है इस आर्टिकल में जो कि मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। बेसिकली है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, देखिए यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। मैक्सिमम लोग इस धरती पर जो है ना अपने अंदर के टैलेंट को नहीं निकाल पाते हैं। उसका रीजन कोई आप लोगों से पीछे क्या है, तो क्या रीजन है उसका, तो वह डर, जिसको आप लोग फियर बोलते हैं, जिसका भय लोगों को रहता है। आप लोगों से कोई बोलने लगे कोई नया काम करने के लिए तो 1000 क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ जाएंगे। किसी नई जगह जाने के लिए बोल दूं मैं आप लोगों को, चलो यार वहां पे जाना है आप लोगों को, तो अगर वो ऐसी जगह होगी जिसका नाम आप लोगों को थोड़ा सा फैमिलियर होगा, सुना होगा यार बड़ी अच्छी घूमने वाली जगह गोवा यार क्या मजा आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें बोलते कि जंगल में जाने कहीं और वो भी अंधेरे के टाइम पर, तो आप लोगों के मन में हजारों सवाल आप लोगों के माइंड में आकर खड़े हो जाएंगे। वो सवाल जो है लाजमी है, पर लेकिन क्या वो सवाल जो है वो आप लोगों के माइंड को सोचने में बेसिकली रोक रहे हैं? आप लोग जैसा सोच सकते हैं उसमें वो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर देखिए फिर दिक्कतें हो रही हैं। यानी कि अगर आप लोग ऐसी चीजें सोच रहे हैं जो आप लोगों के माइंड को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और आप लोगों को जिस लेवल पर जाना चाहिए अपनी चीजों को लेकर उस लेवल पर जाने से रोक रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो बात बोली गई वो मुझे काफी प्यारी लगी। जिंदगी में जो भी आप लोगों को लगता है ना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, एक पेपर लो ये 4 साइज की सीट, ठीक है, उसके ऊपर वो प्रॉब्लम लिख दो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगती है आज ही लेना ये पेपर और इस पर लिख देना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई सारे लोग क्या, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो आप लोगों से क्यों डरते हो, आखिर क्या ऐसा रीजन है आप लोगों से डरते हो? क्या वो आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे अगर आप लोग कुछ नया करोगे, या फिर आप लोग अपनी फेलियर का डर रहता है? जो भी आप लोगों को मन में लगता है उसको लिख दो। कई सारे लोग ऐसे आज के में यहाँ पर इसमें भी उदाहरण दिया गया उसका, और खुद राइटर भी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोलने में इतनी प्रॉब्लम होती थी जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों को सच्ची बताऊं तो मुझे इंग्लिश से ऐसा डर तो नहीं लगता था कभी, पर लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा हिंदी बैकग्राउंड है, ठीक है। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है, मैंने अपनी जो 10th 12th है वो सारी कंप्लीटली हिंदी में की है, और इंग्लिश का माहौल भी नहीं था। अगर बात करूं मैंने गांव से कंप्लीटली पढ़ाई की है, वहां पर जब स्टार्टिंग में बोलूं तो आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे, पता नहीं कितने बच्चे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, आप लोग यकीन भी कर सकते हो नहीं भी, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। प्लस माइनस जो है ना उसको भी जब बोला गया यहाँ पर प्लस माइनस को आगे चलकर, तो इसको भी हम लोग जोड़ गुणा घटा भाग हिंदी में ऐसे बोला करते थे, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस को भी हम लोग थोड़ा सा और तरीके से देखते थे, तो कई जगह आप लोगों को इंग्लिश की ऐसी हालत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आज की डेट में मैं आप लोगों को इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझने के बाद में, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। कई सारे बच्चे आज के में कमेंट करते हैं कि सर ज्यादा इंग्लिश के शब्द यूज मत किया करो, जबकि मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम चीजें हिंदी में रखूं। तो यार आज की डेट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप लोगों की पकड़ से बाहर है, बस एक चीज है जो आप लोगों को ये काम नहीं करने देती है और वो है फियर। कोई भी नई चीज ट्राई करने से पहले आप लोगों के मन में एक दिमाग में एक ऐसा डर बैठ जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो उसी का सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया। सॉल्यूशन क्या है, जैसे यहां पर बोल दिया मैंने अभी बोला आप लोगों को यहां पर कि आप लोग क्या करें इंग्लिश से आप लोगों को डर लग रहा है, ऐसा यहां पर एक बार आर्टिकल बोला, एक आर्टिकल आप लोग ऐड कर सकते हैं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग में आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल रही है कि यार आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, बड़ी टफ चीज है यार, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में आप लोगों को बना सकती हैं और जिंदगी में आप लोगों को बिगाड़ सकती हैं। अगर लंबे समय तक आप लोग आंसर राइटिंग से डरते रहे, जैसे मैंने काफी लंबे समय तक आंसर राइटिंग के साथ में जूझा मैं, ठीक है, तो आंसर राइटिंग ऐसे खतरनाक चीज थी जिसको मैक्सिमम टाइम मैंने इग्नोर किया अपनी लाइफ में। और आप लोगों ने देखा होगा माँ बाप आप लोगों को हमेशा बोलते हैं वही चीजें जो उनको लगता है कि यार वो गलती उन्होंने की है, बच्चे वो गलती ना करें। तो आप लोगों को भी जिंदगी में कुछ ऐसे ही करना है, उन गलतियों से आप लोगों को ऊपर उठना है जो खासकर आप लोगों को बड़े बोलते हैं क्योंकि वो उन गलतियों से जूझ कर आ चुके होते हैं। तो ये हजारों बार मैं आप लोगों को बोलता हूं आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, और 2 क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर देता हूं चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, उसमें से 1 क्वेश्चन डेली के डिस्कशन का होता है और 1 क्वेश्चन आप लोगों का होता है जो कि उस दिन के डिस्कशन का होता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पुराना यूपीएससी क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है और वो प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम को क्लियर करो और वो प्रॉब्लम आप लोग न फेस करो। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है उसको कम से कम फॉलो करो, वरना फिर फायदा क्या है, मतलब जो गलतियां मान लीजिए मैंने की है और वही गलतियां आप लोग करते हुए आ रहे हैं और उसी गलती के कारण आप लोग जो जिंदगी में है अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोई मतलब उस चीज का रह नहीं जाता है, ठीक है। तो काफी हद तक यहाँ पर कई सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसा मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट पॉलिटी में, इसी के साथ में करंट अफेयर में, इसी के साथ में कुछ और सब्जेक्ट है जिसमें मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट, वो मैंने काफी अच्छे से फोकस किए, बाकी के दूसरे जिनमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनको मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को आप लोगों के मुकाम पर पहुंचने से रोकती हैं, क्योंकि उसको लगता है या तो आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और इंटरेस्ट हमेशा किस चीज में नहीं आएगा, जिसको आप लोग टाइम नहीं दोगे, जिसमें आप लोग टाइम देना स्टार्ट कर दोगे उसमें आप लोग का इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अगर इंसान को आप लोग जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा,
अगर टाइम देना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें कुछ ना कुछ बुरी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जो है एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हो। कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, जिस इंसान से आप लोग चिढ़ते थे तो आप लोगों ने बातें करनी स्टार्ट की, आप लोगों को पता लगा यार ये इंसान तो इतना बुरा है नहीं जितना सोचा जा रहा था इसके बारे में। तो दूसरों के लोगों के बेस पर परसेप्शन बना लेना कि इस इंसान ने कभी ये एग्जाम क्लियर नहीं किया भाई साहब तो हमसे कैसे होगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसका मतलब अपने आप को आप लोगों ने वहीं पर ही रोक के रख लिया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग जिंदगी में इनसे अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो आप लोगों को कम से कम अपने आप को उस जोन में लेकर आना पड़ेगा कि एटलीस्ट ट्राई तो करके देखिए एक बार। उसने नहीं किया उसकी उसकी प्रॉब्लम होगी यार, 1000 जिंदगी में इंसान की प्रॉब्लम होती है। आप लोग उसकी प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में लेकर बैठ गए कि हाँ उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में भी है, ऐसा आप लोगों ने उसको एज्यूम कर लिया और उसने नहीं निकाला तो आपसे भी नहीं निकलेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहला जो स्टेप बताया गया अपने आप को लिखो, यानी कि अपने आप को लिखो मतलब अपने आप के अंदर की प्रॉब्लम को लिखो। जब आप लोग प्रॉब्लम को लिखोगे, जैसे मैंने बोला ना अभी इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम आ रखी है, तो यहां पर आप लोगों को लगेगा कि इंग्लिश बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है, इसको कैसे लेकर चलें। तो लिखो तो सही कि इंग्लिश को सीखने में करना क्या क्या आप लोगों को, ठीक है। आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, लिखो तो सही कि आंसर राइटिंग में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारे एक प्रॉब्लम है कि हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो जब तक आप लोग उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। और इसके ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, कि एक तरीके से जब तक आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इवन ऐसे भी ऐसे आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार। ये क्या होते हैं, ये आप लोगों को एनालिटिकल अप्रोच लगाने के लिए एक फोर्स करने वाले आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नियरली क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं अगर उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इग्नोर कर दे, छोड़ना यार आगे बढ़, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि गलत है। और खासकर बच्चों का कॉन्फिडेंस आगे चलकर काफी ज्यादा लूज होता जाता है, क्योंकि जब जब वो नई चीजें ट्राई करते हैं और उनको नई चीजें ट्राई करने से रोक दिया जाता है या फिर वो खुद भी ऐसे माहौल में रहते हैं ऐसे घर में कि वो नई चीजें ट्राई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे उनकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा हैम्पर होती है और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इंसान इससे जिंदगी भर उबर नहीं पाता है। ये बिल्कुल एक कहानी है, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। एक हाथी के बच्चे को चैन से बांध दिया जाता है, वो चैन काफी ताकतवर होती है और हाथी के बच्चे की इतनी औकात नहीं होती है कि उस चैन को तोड़ सके, पर लेकिन जैसे जैसे हाथी बड़ा बढ़ता चला जाता है वो बहुत बड़ा एक विशालकाय हाथी हो जाता है। उस चैन को अगर एक हल्का सा भी झटका वो लगा दे ना, अपनी ताकत का 1/10 भी अगर उस चैन पे लगा दे तो उस चैन के 101 टुकड़े मिलेंगे आप लोगों को हुए, पर लेकिन वो उसको नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है वो संकुचित हो चुका होता है कि बचपन से आज तक तुझसे नहीं तोड़ी गई ये चैन, तो आगे कैसे तोड़ी जाएगी। तो यही चीज है मेरे दोस्त, जिंदगी में मैक्सिमम लोगों को आप लोगों की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, तो अगर आप लोग अभी भी इन चीजों में इन फियर में अगर आप लोग पढ़े रहोगे तो आप लोग सही डायरेक्शन में अपने आप को कभी भी लेकर नहीं पहुंच पाओगे। तो इस फियर से बाहर निकलो, इस फियर को यहीं पर ही मारो, इस फियर को यहीं पर ही खत्म करो। कुछ भी लाइफ में नया कुछ ट्राई करने की बात आ रही है तो उसको ट्राई करना है आप लोगों को, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जो भी नई चीजें आज ट्राई करने का मौका करे उसको जरूर ट्राई करो, क्या होगा फेल ही तो हो जाओगे यार, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ये ट्राई करने से तो जान चली जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आप लोगों को, जाकर आप लोगों को डर लग रहा है बंजी जंपिंग कर दो ऊपर से कूद जाओ, वैसे नहीं मन कर रहा उसको मत करो, पर लेकिन फिर भी अगर एटलीस्ट लोग कर रहे हैं तो अगर कुछ ऐसी चीज से जान नहीं जा रही है, ठीक है, जिसमें आप लोग ऐसा लगता है कि हाँ इससे आप लोगों की लाइफ इंप्रूव हो सकती है, ये पैरामीटर रखिएगा, आप लोगों को लगेगा लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों की, वो आप लोग जरूर करिए। आंसर राइटिंग में दिक्कत हो रही है आंसर राइटिंग करिए, सुबह उठने में दिक्कत हो रही है सुबह उठिए आप लोग टाइम पर, ठीक है, अपनी आप एक एक्सरसाइज जो है अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए आप लोग। ये सारी ऐसी चीजें जिनको जिंदगी में आप लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो यही बातें यहां पर बताइए इसके अंदर में कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आपको कुछ अफर्मेशन देनी है मॉर्निंग में उठते ही। अफर्मेशन कैसी है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन डू इट, यानी कि आप लोगों को अपने आप को बताना है कि भाई साहब तुम ये कर सकते हो, उसने नहीं किया है वो उसकी प्रॉब्लम थी पर लेकिन तुम ये कर सकते हो। तो ये बातें आप लोगों को डेली अपने आप को विजुअलाइज करानी होगी, अपने आप को बतानी होगी। अगर आप लोग ये चीजें भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोग की जिंदगी में सुधर जाएगी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये बातें कुछ ना कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगी, यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं। और ऐसा कौन सा फियर है आप लोगों की जिंदगी में जो आप लोगों को लगता है आप लोगों को पीछे ढकेल रहा है, उस फियर को भी आप लोग लिख सकते हैं। और लिखेंगे अगर आप लोग एक बार पब्लिकली उस चीज को लिखेंगे ना तो आप लोग रियलिटी में उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हम लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग डर नहीं रहे उस चीज से। लिखने में भी अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो फिर दूर करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी यार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल मुझे लगा इसके बारे में बात करूंगा आज ही के जो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आज ही के बेसिकली हिंदू के अंदर था। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से जिंदगी में उतार पाओगे और नई चीजें ट्राई करने से नहीं बचोगे, ठीक है।
एक और आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली इसके ऊपर तो आप लोग नॉर्मली कई बार ना आंसर राइटिंग में लिखने के लिए फिर बच्चों के ऊपर भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि आज की डेट में, आज के युग में जो एडिक्शन बच्चों को देखने को मिल रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए। दो चीजों का एडिक्शन यहाँ पर आता है, पहला है मोबाइल, और जब मोबाइल हाथ में तो फिर हो गया सोशल मीडिया। तो ये इतनी खतरनाक चीजें हो चुकी हैं, ये आप लोगों के माइंड की कैपेबिलिटी जो है उसको खत्म करती जा रही है, आप लोगों के सोचने और समझने की जो पावर है उसको ये खत्म करता जा रहा है। क्योंकि इंसान जो है जब भी फ्री होता है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में जो एक तरीके से नहीं, जो हमारे साधु संत हुआ करते थे वो जंगल में जाकर बैठ जाया करते थे। क्या उसका रीजन क्या था? उसका बेसिक रीजन तो ये था ताकि वो अपने मन को शांत कर सके, दुनियादारी की सारी चीजों से एक डिस्टेंस बनाकर चल सके, तो वो उसका बेसिक पर्पज हुआ करता था। पर लेकिन आज के डेट में अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम मिले अपने मन को शांत करने का, तो तुरंत आप लोगों का हाथ जो है वो मोबाइल के ऊपर जाता है। जब भी आप लोगों को लगता है आप लोगों के पास में दो मिनट भी फ्री है ना, आप लोग उसमें बैठ के ये नहीं सोचोगे कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, आप लोग उसमें बैठ के ये नहीं सोचोगे कि हाँ यार ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, यहां पर इंप्रूवमेंट कर लेना चाहिए, नहीं, आप लोग तुरंत मोबाइल में जाओगे और मोबाइल में जाकर घटिया घटिया और फालतू की चीजें देखते हुए नजर आएंगे। किसी ने क्या पोस्ट कर दिया है, कोई क्या कर रहा है उसकी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में पूरा इंटरेस्ट रहेगा, अपनी जिंदगी जो है वो कीचड़ में पड़ी हुई है, पर भाई साहब दूसरे की अय्याशी वाली जिंदगी देखनी है। मैक्सिमम जिसकी जिंदगी आप लोग देख रहे हो ना वो अय्याशी वाली जिंदगी दिखा रहा है, वो भी रियलिटी में अंदर से आप लोगों को कई बार खोखला नजर आएगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग रियलिटी में अच्छी चीजें डालते हैं, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आप लोगों को देखने को मिलेगा फालतू की एक ऐसी जिंदगी दिखाने की कोशिश करते हैं जो रियलिटी में, जिससे उनकी जिंदगी में अगर जाकर पूछोगे ना तो 1000 प्रॉब्लम वो बता देंगे। पर हाँ, वो आप लोगों को दिखाते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर, वो पिक्चर अपलोड की जाती है जो सबसे बेस्ट पिक्चर होती है, ठीक है, उसको छांट कर उसके सारे एंगल देखकर तो हम लोग अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वो इंसान जो है वो इंसान जिंदगी में बिल्कुल खुश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और जब तक ये चीजें आप लोग नहीं समझोगे तब तक इससे निकल भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले कोशिश करो, जैसे एक दिन का फास्ट आप लोग रखते हो, कम से कम एक दिन सप्ताह में आप लोगों को यह करना है कि आज मोबाइल टच नहीं करना है। एक दिन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरे एक दिन टच नहीं करना है, एटलीस्ट कुछ घंटे आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि चलो भाई साहब आज 5 घंटे मोबाइल को टच नहीं करना है, ठीक है, आज 8 घंटे कम से कम मोबाइल को टच नहीं करना है, और जितना भी टच करना है उस टाइम पर अपने काम की चीजें कवर करनी है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हम लोगों को नहीं खोलना है, कोशिश करनी है अगर पढ़ना है अपने पढ़ाई के लिए टच करना है तो पढ़ाई के लिए, कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए, उसके अलावा उसको मोबाइल को टच नहीं करना है। कर देखो आप लोग भाई साहब पसीने छूटेंगे, आप लोग अपने आप को फोर्स करोगे, क्योंकि आज के डेट में इंसान ना मोबाइल का स्लेव बन चुका है, इतनी सारी चीजें इस मोबाइल में आज के डेट में कि इंसान को लगता ही नहीं किसी और इंसान की जरूरत है अगर उसके पास में मोबाइल है। एक इंसान था उसको अकेले रहने में दिक्कत हुआ करती थी, पर लेकिन अगर आज के डेट में उसको मोबाइल दे दोगे तो भाई साहब पूरी दुनिया उससे दूर हो जाए ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया जिससे आप लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आई होप कि ये भी बात आप लोगों की समझ में आएगी, और खासकर पेरेंट्स अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कोशिश करो कि बच्चों को कुछ दिन, कुछ टाइम, कुछ घंटों के लिए मोबाइल से जरूर दूर रखो, उनके माइंड में इनोवेटिव थॉट आएंगे और कुछ अच्छा करने का मन करेगा। ये ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन केस स्टडी के तौर पर एथिक्स के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आप लोग एक स्कूल के टीचर हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की क्लास में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिवाइस या सोशल मीडिया को लेकर, तो उसको डी एडिक्टेड कैसे करोगे आप लोग, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा, और खासकर ये प्रोसीजर ऐसा है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं समझोगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, फिर आगे प्रॉब्लम निकल कर आएगी, और आप लोगों को साथ भी देना पड़ेगा उस इंसान का, अगर आप लोग साथ भी नहीं दोगे तो भी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये समझो जैसे आज संडे है और संडे को मैं आप लोगों को एथिक्स की केस स्टडी देता हूं, तो आज की केस स्टडी आप लोग इसी को ले सकते हैं कि एज ए बीइंग ए टीचर, किसी क्लास के टीचर हैं आप लोग, या फिर प्रिंसिपल है, डी एडिक्ट आप लोगों को बच्चों को कर रहे हैं, और आप लोग की बच्चे, आप लोग क्लास में बच्चे जो हैं वो गेम को लेकर काफी ज्यादा एडिक्टेड हैं। ये जैसे अभी हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने भी बोला इसके बारे में कुछ बातें, इसी के साथ में चाइना में यहाँ पर कई सारे स्टेप उठाए गए, तो डी एडिक्शन कैसे आप लोग करोगे, तो एक बड़ी ही प्यारी सी केस स्टडी आप लोग यहां से बन सकती है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर कोई आज की डेट में किसी मुद्दे में फंस गया ना, अगर कोई एडिक्शन में आज के डेट में फंस गया, सबसे बड़ी बात बताऊं उस इंसान को पता ही नहीं लगता है कि वो एक एडिक्शन में फंसा हुआ है, वो उसको एंजॉय करता रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पर उसको एक तरीके से खुशी मिलती है। जैसे नहीं इंसान कोई सिगरेट पीना, बीड़ी पीने का शिकार है, या फिर कोई और नशा करने का शिकार है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो वाला सेटिस्फेक्शन उस इंसान को यहां पर मोबाइल से मिलता है, और पूरे दिन में दुनिया भर की जो सोर्स है वो स्क्रोल करता रहेगा, रील स्क्रोल करता रहेगा, और उसके घंटे चले जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, फिर बाद में रहेगा यार ये क्या हो गया, तो फिर आगे चलकर उसको वो डिप्रेशन में डालता है, उसको वो एंजाइटी में डालता है। और जब वो इंसान अगर किसी के पास में आकर बोलता है कि यार मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, तो आप लोगों को भी वो प्रॉब्लम सुननी चाहिए, अगर आप लोग टीचर हैं, आप लोग पेरेंट्स हैं, या फिर कोई और, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो दोनों आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहां पर बताए,
ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस तरीके की चीजें जो है वो आप लोगों से नॉर्मली फियर के बारे में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए एथिक्स के पेपर के अंदर, अगर पुराने उठाकर देखोगे हैप्पीनेस और खुशी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले आते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, ये आज मैंने इसलिए कवर किया इसको क्योंकि एथिक्स का दिन होता है, मैं आप लोगों को केस स्टडी भी देता हूं, तो मुझे लगा थोड़ा सा और पोर्शन डालते हैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाई कि सिलेबस आप लोग कैसे कवर करना है, उसके अंदर जाकर देखिएगा आप लोग ये टर्म्स लिखी हुई है नॉर्मली, ठीक है, जिसे आप लोग सिलेबस को डिकोड करते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा सिलेबस की, ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सके। जब तक सिलेबस आप लोग की समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग पेपर की तैयारी नहीं कर पाओगे, वरना ये आर्टिकल जो मैंने बताया आप लोगों को लगेगा फालतू में बता दिया, इनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। पर रियलिटी में जब आप लोग जाकर देखोगे उठाकर क्वेश्चन सिलेबस आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों के सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ढंग से सिलेबस को डिकोड करना। तो समझ में आ रहा है क्या क्या बातें बोली है, तो अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट करो और आगे लेकर चलो। तो ये थी कुछ बातें जो कि, और एक केस स्टडी दूंगा जरूर, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, वो टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं। कल भी आप लोगों ने देखा होगा मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देते हैं यहां पर आप लोगों का एसे, ठीक है। तो एसे हो गया, और हर एक वीक में मैं आप लोगों को केस स्टडी देता हूं, और ये है वो सिलेबस की वीडियो जो मैंने बनाई थी, इस वीडियो को जरूर देखेगा। सिलेबस अगर आप लोगों को पता है तो चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, सिलेबस पूरा होना चाहिए। और बाकी एक आर्टिकल मैं पोस्ट करूंगा, खुद से ही पढ़ के देखना आप लोग, ये जो आर्टिकल मैंने बताया ना, ये आर्टिकल मैं आप लोग एसएलवी पीडीएफ वाले टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा, खुद से पढ़ना है इनको, कई सारी और नई बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। देखिए जब आप लोग खुद से किसी चीज को पढ़ते हो ना तो आप लोगों को एक नई डायमेंशन जानने को मिलती है, पढ़ने की आदत अपने अंदर डेवलप करो। आप लोग वीडियो सुनते रहोगे हजारों दिन में कोई मतलब नहीं पड़ेगा जब तक खुद से कुछ चीजें पढ़ने की आदत नहीं डालोगे। सी सेट का पेपर तक क्लियर नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें लगभग 40 से 45%, अगर आप लोग वही आदत नहीं डालोगे तो कैसे क्लियर करोगे। तो अपनी कमजोरियों को पहले मैंने बोला आज क्या करना है आप लोगों को लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, वरना A4 साइज की सीट पर लगाकर अपने सामने लगा लेना कि ये दिक्कत है और इनके सॉल्यूशन क्या क्या, उनके सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करो। जब तक आप लोग ये काम नहीं करोगे तब तक आप लोग ऐसे ही पैटर्न में चलते रहोगे और एक सही डायरेक्शन में अपना आपको नहीं लगा पाओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, अरेंज करना है आइलैंड अंडमान और निकोबार, ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। अरे यार गलत हो गया ये, तो मतलब क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बेसिकली किसका था, यहाँ पर ये सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन है। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सब्सिडरी अलायंस जो है यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ये यहाँ पर 1798 में, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, फर्स्ट जो सब्सिडरी जो ट्रीटी थी यहाँ पर वो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली थी, तो ये 1798 में, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। कई बार क्या होता है क्वेश्चन फ्रेम करने में दिक्कत हो जाती है, मतलब कि इसे फ्रेम किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है आप लोगों को याद होगा अंडमान निकोबार वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लगी रह गई गलती से, ठीक है, कोई नहीं, चलिए इसको सही कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, ठीक है, तो ये आप लोग इसको पता चलेगा, आप लोगों से हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर UN, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को सऊदी अरेबिया जिद्दा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को देना है, फिर इसके बाद में आप लोगों को कल इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल को देखने का नजरिया आप लोगों का चेंज करने वाला हूं, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहां पर इस आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या, यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई चाइना के द्वारा, तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंडिया और चाइना का जो व्यापार है वो 125 बिलियन का यहां पर देखने को मिला। तो ये जो 125 बिलियन का व्यापार यहां पर देखने को मिला, इस व्यापार को जब आप लोग डिकोड करोगे, डिकोड मतलब जब इस व्यापार में आप लोग देखोगे कि इंपोर्ट कितना है यानी कि खरीदा कितना है सामान हम लोगों ने, और एक्सपोर्ट कितना है यानी कि बेचा कितना है हम लोगों ने सामान, तो आप लोगों को एक नई दिशा देखने को मिलेगी। उसमें पता चलेगा 97.5 बिलियन हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट किया है यानी कि हम लोग खरीद कर लेकर आए सामान, और जब आप लोग देखोगे पता चलेगा 28.1 बिलियन है वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो इससे आप लोगों को एक अंदाजा लगेगा कि 1/3 के भी करीब हम लोगों ने यहां पर इनसे क्या किया, 1/3 के करीब ओनली एक्सपोर्ट किया है जितना इंपोर्ट हम लोगों ने किया है। तो फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है और जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है उसके बीच में जो आप लोगों यहां पर जो बेसिकली यहां पर एक तरीके से जो यहां पर कमी देखने को मिल रही है तो वो ट्रेड डेफिसिट उसको आप लोग बोलते हो। तो ये टर्म जो है ट्रेड डेफिसिट, इसका मतलब डिफरेंस जो होता है यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, तो नेगेटिव आ गया तो इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस,
ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव रहा, यानी कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो कम किया, यानी कि चाइना के लिए यहाँ पर ये ट्रेड सरप्लस हो गया क्योंकि चाइना ने यहाँ पर हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट किया है, और हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट हो गया क्योंकि ज्यादा हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। तो ये कंट्री को फायदा होगा तो दूसरी को नुकसान होगा, और यही हर एक गेम का ये बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन होता है कि एक को नुकसान तो दूसरे को फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, चाइना से हम लोगों ने खरीदा, ट्रेड डेफिसिट हो गया। ये रिपोर्ट आते ही पूरी कंट्री में कई सारे आर्टिकल छपने लगे कि भाई साहब कितना सारा हम लोगों ने खरीद दिया, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे दोनों ही चीजें इंक्रीज हुई है, यानी कि चाइना से जो हम लोगों ने सामान खरीदा है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इंपोर्ट जो है 30% इंप्रूव है हमारा, यानी कि 30% ज्यादा सामान खरीदा है। पर लेकिन अगर एक्सपोर्ट की आप लोग बात करें, जो चाइना को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, उसके बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो उसमें भी यहां पर इंप्रूवमेंट हुआ है 56%, यानी कि चाइना को जितना एक्सपोर्ट हम लोग करते थे उससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग कर पा रहे हैं, और चाइना से जितना इंपोर्ट करते थे उससे कहीं ज्यादा हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर पा रहे हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट दोनों ही चीजों में आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यहां पर ये कंसर्न है, और कई सारे लोग बोल रहे हैं यहां पर ये अच्छी बात है। अच्छी बात यहां पर ये कि जो 22% यहां पर डिक्लाइन हुआ है, बेसिकली जो ट्रेड डेफिसिट है, इनके जब यहां पर कमी रहती थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो ज्यादा गैप था वो थोड़ा सा कम हुआ है, एक अच्छी बात यहां पर ये देखने को मिल रही है। अब मैं मुद्दा आप लोगों को समझाता हूं जो आप लोग यहां पर समझ पाओगे आज की डेट में, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। चाइना से हम लोग क्या क्या खरीदते हैं अगर आप लोग बात करें तो मैक्सिमम चाइना से हम लोग खरीद कर आ रहे हैं यहां पर बेसिकली, एक तो है यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चिप है 147% यहां पर बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। हमारे देश में अगर बात करें हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो काफी ज्यादा हम लोग खरीद कर लेकर आए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी इतनी ज्यादा महामारी पड़ गई थी यहाँ पर कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप लोगों को लेकर आना है, तो इसमें कईयों गुना यहाँ पर जो इजाफा देखने को मिला चाइना से जो हम लोग ये चीजें खरीद कर लेकर आए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पर चाइना से खरीदे हैं वो सारे प्रोडक्ट जो है पेंडेमिक का काफी बड़ा इंपैक्ट उसके ऊपर देखने को मिला, यानी कि कोरोना वायरस का काफी बड़ा इंपैक्ट उसके ऊपर देखने को मिला। अभी बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर रिसेंटली कई सारी ऐसी स्टडी छपी है कि दुनिया भर के मोबाइल जो है वो दुनिया में अभी खरीदे गए, खासकर अगर बात करें जहां मोबाइल एक तरीके से खटके वाला मोबाइल हुआ करता था, लोगों ने वहां पर कोशिश की कि डिस्प्ले वाला मोबाइल खरीद ले। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन था यहां पर बच्चों की एजुकेशन को लेकर कई सारे लोगों ने क्या किया, सारे टीचर्स ने बोला कि व्हाट्सएप पर तुमको ये चीजें सेंड करेंगे वो होगा, तो कई सारे मोबाइल यहां पर यूज किए गए। यही वो टाइम है पेंडेमिक का, हमारी कंट्री में कई सारी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी होती है जो 1 बिलियन का व्यापार यहां पर कर रही है एक तरीके से। जैसे कि अगर बोलूं तो यहां पर रुपीज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 7,000 करोड़ रुपए बेसिकली कमाने वाली कंपनी है, फिर उसकी वर्थ बोल सकते हैं आप लोग, यहां पर जो वर्थ है उसकी कंपनी की वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसी भी कई सारी कंपनी आप लोगों के सामने निकल कर आई। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो ये कंपनी यहां पर बनी वो किसकी वजह से बनी, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचा, लोगों ने आज के डेट में यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन देखना स्टार्ट किया, लोगों ने यहां पर ऑनलाइन चीजें जो है वो परचेज करने स्टार्ट किया। आज के में खाने से लेके आप लोग सारी चीजें जो है ऑनलाइन परचेज करते हो, सारी अमेजन पे या फिर जोमेटो पे या फिर कहीं पर आप लोग गाड़ी लेकर जानी है तो आप लोग ओला उबर आप लोग यूज करते हो, तो ये सारी चीजें आज के में ऑनलाइन चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कब हो पा रही है चीजें? जब हम लोग चाइना से ये मोबाइल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, फिर चाइना से चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट खरीद कर लेकर आ रहे हैं जिनकी वजह से आप लोग मोबाइल वगैरह गाड़ी वगैरह बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, यहां पर बात ये हो गई कि जो चीजें हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं अगर उस चीजों को लाकर हम लोग और अपनी कंट्री में पैसा कमा रहे हैं तो वो चीजें फिर सही है, वो कोई गलत नहीं है अगर हम लोग इंपोर्ट कर लेकर आ रहे हैं। तो ये आप लोग समझिएगा, एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनोगे तो काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। आज की डेट में अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ सामान खरीद कर लेकर आना है, तो यहां पर दो पहलू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक, जैसे मैं नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने क्या किया आज की डेट में, आप लोगों ने एक लैपटॉप खरीदा या फिर मोबाइल आप लोगों ने खरीदा, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। चलिए लैपटॉप मोबाइल छोड़े, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, नॉर्मल उदाहरण लेते हैं बिल्कुल एक जो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप लोग एक कार खरीद कर लेकर आए, ठीक है, कार खरीद कर लेकर आए और ये जो कार है वो आप लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं, आप लोग घर पर आते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो ये कार पर्सनल कार आप लोगों की हो गई। इसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया मान लीजिए 5 से 6 लाख, तो ये जो 5 से 6 लाख आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है इससे आप लोग कुछ कमा नहीं रहे हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए आप लोगों की जिंदगी में थोड़ी आसानी आ गई है, आप लोग सड़कों पर जिस तरीके से घुमा करते थे, टाइम वेस्ट हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं आप लोग का बच गया। कार में आप लोग कंफर्टेबल फील हो रहे हैं, सर्दी और जो बेसिकली गर्मी है उससे आप लोग का पीछे छुट जा रहा है, तो ये आप लोगों की जिंदगी में आसानी कर दी इस कार में, समझ में आता है भाई साहब, बड़ी सही बात है। पर लेकिन रियलिटी में सोचिए, आप लोगों ने जो कार ली इसके अलावा एक वो इंसान है जिसने ये कार ली सेम और उसी कार को उसने क्या किया, उसने उस कार को लगा दिया पैसे कमाने पर, यानी कि उस कार को उसने उबर या फिर ओला के साथ में कनेक्ट कर दिया या फिर किराए पर चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
तो ये जो इंसान है यहां पर इस कार को इतना ज्यादा चला रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, और आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर में इसने जो पैसा इसके अंदर लगाया था वो पैसा इसने रिकवर कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ में अब यहां पर क्या कर रहा है, ये कार इसके लिए फ्री हो चुकी है और आगे भी अर्निंग कर रहा है, या फिर क्या किया, इस पैसे इस कार को इसने दूसरे इंसान को दे दिया और एक ड्राइवर रख दिया, बोला कि तू चला अब इसको, ठीक है, पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया। और वहां से जो पैसे पहले उसके जो निकले थे उससे उसने एक और कार खरीद ली, ठीक है। अब क्या किया उसने, उसको भी उसमें लगा दिया। तो इस तरीके से ये इंसान जो है अपना बिजनेस बढ़ाता जा रहा है और आगे चलकर ये क्या करेगा, अपनी एक कार की कंपनी खोल लेगा और किराए पर लोगों को कार देना स्टार्ट कर देगा, या फिर उबर ओला जैसी कंपनी के साथ में एक कनेक्शन बनाकर वहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से आप लोग पैसा बना पा रहे हैं। यहां पर क्या किया आप लोगों ने, अपनी जिंदगी को तो इंप्रूव कर लिया पर लेकिन अर्निंग आप लोगों की नहीं बढ़ी, पर्टिकुलर इस कार की वजह से आप लोगों की जिंदगी तो इंप्रूव हो गई। आप लोग ये बोल सकते हैं ऑफिस में इसी कार से जाते हैं उसकी वजह से हमारा जो है जिंदगी काफी आसान हो गई है। आप लोग ऑफिस में तो आप लोग किससे जा सकते हैं, ऑफिस में तो आप लोग साइकिल पर भी जा सकते हैं, बाइक पर भी जा सकते हैं, अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आप लोग मेट्रो से जा सकते हैं, दुनिया भर की सर्विस चल रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों की जो माइंड को शांत रखने में इसने हेल्प कर दी है, पर लेकिन यहां पर अगर कंपेयर करोगे तो इसने कंप्लीटली चीजें चेंज कर दी। तो चाइना से अगर हम लोग कुछ ऐसे इंपोर्ट कर लेकर आ रहे हैं चाइना से आज के में, कि वो जो इंपोर्ट है हमारा ये सेकंड वाला पोर्शन अगर इंप्रूव कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा भी इंप्रूव हुआ है, यहां पर लोगों के हाथ में मोबाइल आए, तो वो हमारी कंट्री के लिए इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट खराब नहीं है, वो इंपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने का हम लोग सामान खरीद कर लेकर आए हैं उससे कई गुना हम लोग उस सामान से फिर कमा रहे हैं, तो ये सही चीज है। पर लेकिन अगर वो सामान सारा कंजप्शन का है, बस हम लोग अपने लिए यूज करने के लिए उसको सामान को ला रहे हैं, वो सारी चीज ला रहे हैं, तो वो इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट यहां पर गलत है। तो अभी हमारी कंट्री में जिस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिली तो हमारा इंपोर्ट जो था वो गलत नहीं था, वो काफी हद तक आप लोगों को सही देखने को मिलेगा। अब दिक्कत क्या आती है, निकलकर दिक्कत आती है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट से रिलेटेड। हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं चाइना को, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वो जो रॉ मटेरियल है जो चाइना में जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग चाइना से खरीदते हैं यहां पर एपीआई, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं वो एक तरीके से मसाले जिनसे दवाइयां बनाई जाती है। मसाले मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो भी आप लोग दवाइयां लेकर आते हैं लाल पीली नीली जो आजकल में आप लोग बीमार होने के बाद में खाते हैं, वो सारा जो उसका रॉ मटेरियल होता है उसको एपीआई बोलते हैं। तो ये एपीआई जो है हम लोग काफी हद तक चाइना से खरीदते हैं, तो यही एपीआई जो है वो रॉ मटेरियल है। तो ये हम अपनी कंट्री में आज के डेट में एक इंडस्ट्री डेवलप कर पा रहे हैं जिसको आप लोग जेनरिक दवाइयों की इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल हम लोगों को चाइना से मिलता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमारी कंट्री से आयरन ओर हो गया या फिर कुछ और प्रोडक्ट हो गया, यहां पर रॉ मटेरियल चाइना लेकर जाता है और फिर बने बनाए सामान ले जाकर बेचता है। तो सबसे खतरनाक चीज होती है कि रॉ मटेरियल बेचना, क्योंकि रॉ मटेरियल बेचने का मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को बाहर बेचना। अपनी कंट्री में हम लोग इतनी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाए ताकि उसको हम ढंग से हम लोग यूटिलाइज कर सके। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में जब आप लोगों से कोई बात करे तो उसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, उसके पॉजिटिव पहलू भी आप लोगों को देखने हैं। वरना नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसके सारे नेगेटिव पहलू देखकर बैठ जाते हैं और फिर यहां पर एग्जामिनर को लगता है कि यार ये इंसान जो है ये उस लेवल से सोच ही नहीं पा रहा है जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया और चाइना के बारे में आप लोगों ने देखा बुरी बात भी आई यहां पर, जिसमें 5G की ट्रायल थी वो हम लोगों ने चाइना से छीन ली अपनी कंट्री में, ठीक है। लगभग 200 से भी ज्यादा जो उनके ऐप थे और जिसमें एक ने तो लोगों को बेरोजगार कर दिया जो था टिकटॉक, ठीक है। तो टिकटॉक जैसे ऐप दुनिया भर के यहां पर बंद हो गए और भी बहुत सारे ऐप यहां पर बंद हो गए। इंडिया और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आज के में बहुत ही बुरी कंडीशन में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं कई बार आकर। अभी चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, इंडिया ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भेजने से वहां पर मना कर दिया ऑफिशियल, मतलब इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएगी कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है पाकिस्तान को लेकर भी कई बार बुरे देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये हो गया कि हर टाइम हर चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है। इस चीज के अगर फायदे हैं तो उसको उस तरीके से देखो और नुकसान है तो उस तरीके से। और यही एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से एग्जामिनर जब आप लोग यहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हो। तो ये दूसरा एंगल भी आप लोगों को बोलते हैं कि नहीं चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो चाइना से मोबाइल लेकर आ रहे हैं, उस मोबाइल को तोड़ देंगे। भाई साहब जब लेकर आ गए उसको यूज कर लो ना, अब वो तब बेकार हो जाएगा जब वो एक तरीके से यूज करने लायक नहीं रहेगा, फिर चाइना का माल मत खरीदना। पर प्रेजेंट टाइम पर खरीद लिया चाइना का टीवी चाइना का मोबाइल उसको तोड़ देंगे तो ये इससे दर बेवकूफी वाली कोई बात नहीं होगी। हालांकि हर एक इंसान की खुद की अपनी सोच है, उसको लग रहा है कि उसका पैसे इतने हैं उसके पास में कि ये काम कर सकता है तो तोड़ी कराओ, किसी गरीब इंसान को दे दो। किसी एक इंसान ने जिसने कभी टीवी नहीं देखा उसके घर में टीवी चल जाएगा, उसके बच्चे और उसके घर वाले खुश हो जाएंगे। तो ये आप लोग कर सकते हो, बाकी आप लोग की क्या राय इसके बारे में तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पहलू आप लोगों को देखने हैं, एक मिड पाथ निकालना है। और जब भी आंसर लिखने के बाद में आप लोग बेसिकली ना वे फॉरवर्ड में आप लोग जाते हो तो वे फॉरवर्ड में एक मिड पाथ हमेशा रखना है जिसको बुद्धा वाला पाथ बोलते हैं। एक्सट्रीम नहीं जाना है, वहां पर सजेशन आप लोगों को देना होता है जिसके चलते आप लोग एक अच्छा आंसर लिख पाते हो, ठीक है।
आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर करिएगा, कंफ्यूजन माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। बेसिक चीजें थी, बिल्कुल बेसिक से मैंने आप लोगों को बता दी, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये अभी हमारा जो बजट प्रस्तुत किया गया 2022 का, उसके अंदर एक अनाउंसमेंट किया गया और हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पर। ये था बेसिकली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो वंदे भारत ट्रेन ये वही ट्रेन है जिसको आप लोग यहाँ पर ट्रेन 18 के नाम से भी आप लोग जानते थे। ट्रेन 18 क्यों बोला गया था उस टाइम पर इसको? इसलिए बोला गया था क्योंकि ट्रेन 18 जो है वो 18 महीनों में तैयार की गई थी हमारे देश में, इसलिए उसको ट्रेन 18 बोला गया। पर लेकिन ट्रेन 18 का मतलब कोई समझ में आता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि 18 महीने में बन रही तो 18 महीने में बनती रहेगी। हम लोग उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास में आएगी। तो नाम चेंज कर अपग्रेडेड वर्जन बनाकर वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोगों ने नाम कर दिया, जो कि मुझे पर्सनली काफी प्यारा लगा। आप लोग ही क्या रहे, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अभी यहां पर मुद्दा क्या है, इसी को हमारी कंट्री में बजट में अनाउंसमेंट किया गया और बोला गया 400 के करीब आने वाले टाइम में वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे देश में चलने वाली है। तो ये जो ट्रेन है यहां पर हमारे देश में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में अपने द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई ये ट्रेन होगी, जिसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि इन ट्रेन के अंदर में लगभग 1100 के करीब कैपेसिटी होगी लोगों को ले जाने की। स्पीड जो रहेगी लगभग 160, यानी कि एक स्पीड रहने वाली अच्छी खासी। और इसी के साथ में जो जर्नी का टाइम है ये 25-45% आप लोगों का कम करने वाले हैं। और टाइम जो है वो मनी है, अगर टाइम को मनी के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आने लगेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यहाँ पर ये ऑपरेशनल फिलहाल हमारे देश में ओनली दो है। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, उसको कनेक्ट करती है दिल्ली के साथ में, पहली ट्रेन याद रखेगा। दूसरी ट्रेन जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो न्यू दिल्ली से बेसिकली कटरा, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके साथ में यहां पर कनेक्ट करती है। अभी रेलवे के द्वारा बोला गया लगभग 2000 करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं। बेसिकली यहां पर आने वाले टाइम में एक टेंडर निकाला जा रहा है, जिसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। देखिए होता क्या है, हमारे देश में सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या है, हम लोग अपनी कंट्री में खुद के मटेरियल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते हैं, बाहर से बना बनाया सामान लेकर आते हैं और उसको बेचने में लग जाते हैं। जब तक हम लोग अपने देश में चीजें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश में लोगों को जॉब कैसे मिलेगी? हमारे देश से हम लोग बाहर से सामान खरीद कर लेकर आते रहेंगे तो पैसा हमेशा बाहर जाता रहेगा, जो कि गलत है। तो अपने देश में हम लोग को चीजें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करना है, अपना मटेरियल यूज करेंगे, अपने देश में बनाएंगे, अपने लोगों को व्यापार देंगे और अपना प्रोडक्ट अपने आप यूज करेंगे, बाहर से बनाकर चाइनीज माल लेकर ही करना है। तो वो वाला मुद्दा यहाँ पर है। इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर अभी ये भी है, ये जो ट्रेन है यहाँ पर ये एक अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वाईफाई इंटरटेनमेंट के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जीपीएस आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह, ऑटोमेटिक डोर रहेंगे, रोटेटिंग चेयर रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे की चेयर के पास में जाकर रख दी कि भाई मेरी सीट यहाँ है, ठीक है, रोटेटिंग का अलग घूम सकती है वहां पर ऐसा नहीं कि आप लोग पता चला कि नहीं डब्बे में दूसरे डब्बे में ले जाऊंगा मैं तो अपनी चेयर को, वो वाला नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में रोटेटिंग चेयर के साथ में यहाँ पर बायो वैक्यूम रहेगा, खासकर जैसा एयरक्राफ्ट के अंदर यूज किया जाता है टॉयलेट, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि काफी शानदार तरीके से यहाँ पर यह ट्रेन जो है वो बनाई जा रही है और हमारे देश के द्वारा ये ट्रेन बनाई जा रही है, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि हम लोग इस फील्ड में इतने शानदार तरीके से काम करें। तो ट्रेन 18 जो है इसके बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ठीक है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई के अंदर थी उसके द्वारा यहाँ पर ये बनानी स्टार्ट की गई थी। अभी आने वाले टाइम में और भी जगह पर यहाँ पर इसको बेसिकली बनाया जाएगा, क्योंकि अकेली जो कंपनी है वो यहाँ पर इनको इनको इस तरीके से मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएगी जैसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इनसे लगाई जा रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और भी जगह आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जैसे चेन्नई के अंदर बोला गया, कपूरथला के अंदर बोला गया, इसी के साथ में रायबरेली के अंदर बोला गया, तो कई सारे और यहाँ पर उनको टेंडर यहाँ पर दिए जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो ये कई सारी ट्रेन आप लोगों को अपने देश में चलती नजर आएगी और जो कि हमारे ही लोगों के द्वारा बनाई गई, हमारा रॉ मटेरियल यूज करके, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि अप्रिशिएट करने लायक बात। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया कई बार इंटीग्रेटेड ट्रेन के बारे में, किस कहां से बनाई गई, किसके द्वारा, इसका नाम ट्रेन 18 क्यों रखा गया, फिलहाल इसका नाम क्या है, पहली ट्रेन कहां से चलाई गई। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, वनडे टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस में या फिर एसएससी बैंकिंग में, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि आप लोगों से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को आर्टिकल करा दिया ताकि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक पर्पस था, ओके। आगे चलते हैं, एक और आर्टिकल यहाँ पर दे रखे हैं, ये आर्टिकल यहीं पर ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हालांकि ये मैं अभी 2 दिन से एक आप लोगों को यहाँ पर कवर भी कर चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जिसको आप लोग वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर आप लोग बिटकॉइन ले लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई रेगुलेट नहीं करते हैं, मतलब क्या,
ये इसको रेगुलेट नहीं कर पाते क्योंकि ये ऑनलाइन बनती है करेंसी, इसको ऑनलाइन बैठकर माइन करना पड़ता है। आप लोगों ने सुना ना प्रोग्रामिंग कर रहा है पर्सन कोई बैठकर, ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोग्राम करके वो कोई प्रोडक्ट बना देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बन गया, ये ऐप बन गया, ये वेबसाइट बन गई। इसी तरीके से ऑनलाइन बैठकर माइनिंग कर यहां पर क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है, जो कि आप लोग बिटकॉइन बोल सकते हैं नॉर्मल उदाहरण पर। हालांकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में, बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस है इनमें। तो ये जो बिटकॉइन है यहाँ पर अगर बात करें, इसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है फिलहाल टाइम पर, लोग जो है काफी ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। मतलब हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग रूपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो दोनों के हाथ में पावर है। एक तो हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है जिसको आप लोग आरबीआई बोलते हैं, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि आज के डेट में प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट है। इसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आप लोगों को फिस्कल पॉलिसी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसके बेस पर टैक्स को घटाना बढ़ाना ये हमारी कंट्री की करेंसी पर इंपैक्ट डालते हैं। और दूसरा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिनको आप लोग एमपी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हो। तो ये क्या करती है यहां पर, ये बेसिकली रेपो रेट वगैरह ऊपर नीचे कर देते, तो इसकी वजह से करेंसी की जो ईपोर इंपैक्ट पड़ता हो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाते या घटाते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन ऐसा कोई भी खेल, कोई भी यहां पर बिटकॉइन के साथ में नहीं खेल पा रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है यहां पर वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा रही है। तो यहां पर ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरा डिपेंडेंट कर रही है, यानी कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जा रही है, और सप्लाई अगर बेसिकली कम हो जा रही है एक तरीके से, तो भी यहां पर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जा रही है। अगर डिमांड यहां पर और सप्लाई जो है दोनों एक तरीके देखने को मिल रही है, तो बैलेंस यहां पर डिमांड और सप्लाई के बेस पर आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि बिटकॉइन जो है वो कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा है यहां पर आज के डेट में, और ये एक इंटरनेशनल लेवल की करेंसी यहां पर बन चुकी है। इसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पर ये चीजें इसके बारे में निकल कर आ रही है। कुछ गवर्नमेंट ऐसी हैं जो इसको अलाउ कर रही है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी हैं जो इसको अलाउ करने से पहले सोच रही है, डर रही है, उनके अंदर खौफ बैठ गया कि कल को चलकर क्या होगा, क्योंकि एक इंसान के बेस पर भी यहां पर ये करेंसी जो है ऊपर नीचे हो जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना ने बोला इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, ई सिल्वाडोर ने बोला कि हम तो इसको अपनी एक नॉर्मल करेंसी के तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करने वाले हैं। तो यहां पर देखने को मिलेगा, इलोन मस्क ने बोला कि मेरी टेस्ला आने वाले टाइम में जो कंपनी है एक तरीके से, ठीक है, उसमें गाड़ी वगैरह जो है वो यहां पर इसी से खरीदेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार वगैरह जो थी। पर लेकिन दूसरे टाइम उसने बोला, किसने बोला कि भाई साहब क्या बोल रहे हो, कुछ सोच कर तो बोल लिया करो, दिक्कतें हो जाएंगी। तो यहां पर अगले ही टाइम उसने मना कर दिया। तो तुरंत जो क्रिप्टो करेंसी के भाव जो बड़े थे आसमान में, वो तुरंत जमीन पर आकर धड़ाम गिर गए, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि ये करेंसी जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, यानी कि एक टाइम में अर्थ पे रहेगी, दूसरे टाइम में फर्श पे रहेगी। तो इस तरीके की करेंसी जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, खासकर एक स्टेबल जो देश है, एक कंट्री है, तो वहां पर उसको रेगुलेट करने की बात की गई। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले मना कर दिया कि इसको रेगुलेट नहीं करना है, इसको बेसिकली बैन करना है। पर लेकिन बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है जब इतनी ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो इसलिए बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो बोला गया इसको आप लोगों को रेगुलेट करना है। और जब रेगुलेट करने की बात आई तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने इसको भी रेगुलेट करने के बारे में बात नहीं की है। पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, यानी कि अभी फिलहाल हम लोगों ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया बजट के अंदर में। 30% यहां पर टैक्स लिया जाएगा जो भी यहां पर क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट गेन करके आता है। देखिए, अगर आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है और आप लोग 100 रुपए कमा कर लेकर आ रहे हैं, तो 100 रुपए में से 30 रुपए जो है वो आप लोगों को सरकार को देने पड़ेंगे। तो टाइटल में ही बोला गया है कि यहां पर फर्स्ट वो टैक्स फर्स्ट हो गया, रिकॉग्नाइज लेटर, यानी कि अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है पर लेकिन टैक्स लगा दिया। हम लोग मान नहीं रहे कि यहां पर क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में अलाउ करेंगे, पर टैक्स लगा दिया। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हो टैक्स उसी चीज के ऊपर लगाया जाएगा जिसको गवर्नमेंट मान रही है कि ऐसा कुछ है। तो कहने ना कहने में गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है आज की डेट में, ठीक है। तो अब आप लोग इसको ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है, क्योंकि टैक्स उसी चीज के ऊपर लगता है जिसको आप लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। बिना रिकॉग्नाइज किए हुए आप लोग किसी चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर देखेगा। तो काफी बड़ा इशू है जो कि अभी आगे भी आने वाला है, और इवन डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से अगर कोई इंटरव्यूअर पूछ ले आप लोगों से कि क्या यहां पर क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करना सही रहेगा यहां पर, ठीक है, तो देखिए हम हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बैलेंस तरीके से देने होते हैं, ठीक है। आज की डेट में हम लोग इन चीजों को रोक भी नहीं सकते, और कोशिश क्या करो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, ठीक है, कोई यहां पर आर्टिकल ऐसे पढ़ रखे हैं जिसमें किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे रघुराम राजन जैसे कोई इंसान है, उन्होंने कुछ बोल रखा है, तो उसके बेस पर आप लोग अपने तथ्य रखा करो। ये नहीं कि आप लोगों ने कहीं पर सुन लिया है, गली नुक्कड़ चौराहे पर आप लोग डिबेट डिस्कशन कर रहे थे चाय की दुकान पर अपने दोस्त के साथ में, और आप लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाला वो आप लोग यहां पर लाकर रखोगे, नहीं, वो आप लोगों को हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में डालता हुआ नजर आएगा। कोई भी कंक्लूजन है वो हमेशा एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज से होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो आप लोग लिख सके, वो वाले रिसोर्सेज आप लोगों को यूज करने हैं। बजट में मेंशन किया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया हुआ है, कोई रेप्यूटेड मैगजीन है उसमें मेंशन किया हुआ है, कोई रेप्यूटेड पर्सनैलिटी है उसके द्वारा बातें बोली गई है, तो वो चीजें उनके नाम भी आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं।
पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों को मन में कुछ आ रहा है और आप लोगों ने अपने हिसाब से लिख दिया कि मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, वो वाली चीजें आप लोगों को नहीं यूज करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल अगर इस तरीके से आप लोग देखते हैं। कई सारी कंट्री ऐसी खुद की अपनी वर्चुअल करेंसी बना रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी अपनी वर्चुअल करेंसी बनाएं। आने वाले टाइम में बोला भी गया गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में वो वर्चुअल करेंसी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, तो ये माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलती रहती है, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ उसमें भी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। और ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, हालांकि इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, पर लेकिन आप लोग समझोगे तो चीजें और अच्छे से लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये है बेसिकली हवाना सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये हवाना क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए और सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक इसको बोलते हैं हवाना सिंड्रोम, ठीक है। तो हवाना क्या है और सिंड्रोम क्या है पहले वो समझिए। हवाना जो है यहाँ पर, जैसे आप लोग नॉर्थ अमेरिका इनके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में जाएंगे, उसके नीचे एक छोटा सा एक आइलैंड कंट्री जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा बताइए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो किस ईयर में हुआ था? मैंने इसके ऊपर, ये ऐसा टॉपिक है जिससे मैंने आप लोगों द हिंदू डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, ठीक है, नवंबर के महीने में 2016 में मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी 28th of November को, ठीक है। उसमें ये एक ऐसा आर्टिकल था जो मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि फिदल कास्त्रो से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल उस टाइम पर आया था, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे उस टाइम पर, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कर रहा था तो मेरे मन में बड़ी कंफ्यूजन थे यार, मैंने कहा आखिर मैं ऐसा क्या करने जा रहा हूँ जिसको बच्चे देखेंगे, ठीक है, क्या रियलिटी में मैं कुछ ऐसा पढ़ा पाऊंगा जिसको बच्चे देखेंगे, मतलब क्योंकि उस टाइम पर मेरा भी जो जोन था मैं भी स्टडी ही कर रहा था और नॉर्मली जो पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी उसका बेसिकली हम कहीं ना कहीं एक तरीके से कि अपनी खुद की भी पढ़ाई जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे और यहाँ पर लोगों को फायदा भी होता रहे, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें थी, हालांकि और भी बहुत सारे उसके पीछे रीजन थे कई सारे, पर लेकिन मेन एक ये भी उसमें से एक रीजन, वन ऑफ द रीजन आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने ये टॉपिक जो है काफी अच्छे से पढ़ा था, मेरी समझ में आ रखा था, तो मैंने सोचा कि जब पढ़ लिया है तो मैं पढ़ा भी इसको सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो जो अपलोड की थी तो खैर उसमें भी अच्छे खासे वो व्यू हो गए, पर लेकिन पहली वीडियो ही एक ऐसी थी कि मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैंने कहा इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, पर लेकिन मेरे अंदर डर बहुत था, ठीक है। देखो हर ना इंसान ना, पर लेकिन मैंने उस डर को मारा कैसे, प्रैक्टिस से। मैंने पहले भाई साहब एक वीडियो अपलोड करने से पहले अगर आप लोगों को लग रहा है कि आया बैठ गया पढ़ाने स्टार्ट कर दिया, 2 से 2.5 महीने तक मैं लगातार वीडियो बनाता रहा, वीडियो बना बनाकर वीडियो डिलीट करता रहा, ठीक है, बना बनाकर डिलीट करता रहा। जब मैं बनाने के बाद में अपनी वीडियो खुद सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ अब ये वीडियो कोई सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये इंसान जो है ये कुछ नहीं जानता है, मतलब टॉपिक को जानता है, टॉपिक को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तब जाकर वो वीडियो है वो मैंने अपलोड की, ठीक है। उस वीडियो के नीचे शायद ही कोई कमेंट ऐसा आया था उस दिन कि हाँ तुमको पढ़ाना नहीं आता है, और वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई ये ना बोल दे अगर यहाँ पर कि पहली बार नहीं, इंसान कोई काम करना स्टार्ट करता है चीजें करता है तो फिर ऐसा लगता है किसी ने बोल दिया तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार कहां से आकर कौन बैठ गया, पर लेकिन जो रेस्पॉन्स मुझे उस टाइम पर देखने को मिला था वो रियलिटी में उसने इतना मोटिवेट कर दिया कि आज की डेट में आप लोगों के सामने बैठा हूं। उस टाइम पर कोई नहीं जुड़ा होता साथ में, ठीक है, और आज की डेट में यहाँ पर वन मिलियन का परिवार होने वाला है 10 लाख का, यानी कि इंडिया के अंदर यहाँ पर 10 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ये अपने ही आप में काफी बड़ी एक अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हो यार, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो एक ऐसे गांव से निकलकर, मतलब एक ऐसे नहीं, गांव तो मेरा बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यार है, ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह से निकलकर आ रहा है जहां पर अगर बात करो गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ इंसान, ठीक है, जहां पर कोई एजुकेशन को लेकर ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट चीजें चल रही है कि बहुत ही अच्छी अच्छी माहौल मिल रहा है सारी चीजों का, पर फिर भी यहाँ पर इस लेवल पर आकर बैठ जाना तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। एक है कि सिटी में रह रहा है, स्टार्टिंग से अच्छे खासे स्कूल में गया, सारी चीजें अच्छे से मिली है, पेरेंट्स ने हमेशा चीजों को सपोर्ट किया, पर लेकिन जो स्कूल के अंदर जो एक माहौल मिलना चाहिए था, ठीक है, कई बार वहां पर वो चीजें अप टू द मार्क नहीं मिल पाती है, ठीक है, उसमें कई सारे छोटे छोटे इश्यूज देखने को मिलते हैं, पर लेकिन वो हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिटीज में स्कूल सारे अच्छे हैं, तो आप लोगों को मेहनत करनी है, मेहनत करने से नहीं पिछड़ने, बस वही एक ऐसी चीज है जो मैं कभी नहीं हटता हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा चाहे मेरी हालत कैसी कस्ता हो रखी हो, पर लेकिन अगर कोई काम करना है तो करना है। इवन कभी बीमार भी हो जाता हूँ उस टाइम पर भी, मतलब कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से वीडियो हालात थोड़ी सी लेट हो जाए पर वीडियो जरूर अपलोड की जाए, ठीक है। कोई भी काम कर रहा हूँ जो मुझे करना होता है, मैंने कहा वो काम जरूर कंप्लीट किया जाए, भले ही थोड़ा सा सोने में कटौती कर ली जाए पर लेकिन ये काम जरूर कंप्लीट होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर ऐसी अर्ज होनी चाहिए अपने काम को लेकर, जब तक वो एक डेडिकेशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा वो आप लोग कभी भी उसको आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे। और हाँ, उसके पीछे कभी मनी नहीं होनी चाहिए, अगर मनी होगी तो मनी मिलने के बाद में आप लोगों का जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, मनी कभी नहीं होनी चाहिए उसके पीछे। अगर मनी है तो वो एक टाइम पर आकर आप लोगों को ठंडा पड़ जाएगा,
क्योंकि मनी कभी भी मोटिवेशन नहीं दे सकती, मुझे तो नहीं दे सकती, ठीक है। क्योंकि मुझे फिलहाल के टाइम पर अगर बात करूं तो आज की डेट में भी कितने सारे ऐसे ऐसे ऑफर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब पैसे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन वो इतना अंदर से वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो अपने आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के हिसाब से काम करने मिलता है, तो वो चीज देखने को मिलती है। मनी रिक्वायरमेंट होते मैं नहीं कहता कि मनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मनी के बिना काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है, ठीक है, पर लेकिन मुद्दा यह है यहाँ पर कि आप लोग उसको लेकर कैसे चल रहे हो। तो यही कह रहा हूं, हमेशा कॉन्फिडेंस आप लोग रखिए अपने अंदर, कोई भी काम आप लोग कर सकते हैं, मतलब मैं कर सकता हूं तो आप लोग कर सकते हैं, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं, पूरी बात का कंक्लूजन ही है, ठीक है। कहां से कहां पहुंच गया टॉपिक, चलिए। तो यहां पर हवाना के अंदर बात करें तो यहां पर यूएसए की जो एम्बेसी हवाना के अंदर, वहां पर कई सारे यूएसए के ऑफिसर्स थे, तो ऑफिसर्स जो रहा करते थे उनको कई सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगी। किसी को सर में दर्द है, किसी की मेमोरी लॉस, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। तो यहां पर जब रिसर्चर ने इसके ऊपर स्टडी की तो पता चला कि हवाना नाम का सिंड्रोम यहां से निकल कर आया। हवाना सिंड्रोम मतलब यहां पर यह माना जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसी रेज है जो उनके ऊपर यूज की जा रही है, उनकी जो शरीर पर यूज की जा रही है, कोई इनको माइक्रोवेव बोल रहा है तो कोई दूसरी वेव यहां पर बोल रहा है एक तरीके से, पर यहां पर ये ऐसी वेव है जो कि इनविजिबल है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आप लोगों को स्किन में हीटिंग फील होने लगेगा। कई सारे लोग इसको एक वेपन की तरीके से भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्टिव डेनियल सिस्टम यहां पर अगर बात करें, ये एक तरीके से यहां पर एक वेपन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहां पर ये करता है लगभग 95 जो गीगा हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की जो वेव है वो बॉडी के ऊपर अगर डालेगा तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, आप लोगों के अंदर का जो बॉडी का पानी है वो यहां पर बेसिकली गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। ये बॉडी में से काफी आसानी से आप लोग ये पेनिट्रेट करता हुआ नजर आएगा। कई बार इसको वेपन को यूज किया जाता है, यहां पर ये माना जाता था इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, यहां पर चाइना के द्वारा ये वेपन यूज किया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पर चाइना का जो यहां पर ये सिस्टम है यहां पर उसका नाम आप लोगों को बताना है, मैंने पहले आप लोगों से बताया था। तो यहां पर ये अभी इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो कई सारे लोगों के अंदर चीज देखने को मिल रही है, हालांकि वो स्टडी जो है वो उस लेवल पर मैच नहीं कर पा रही है, कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है, पर लेकिन हवाना सिंड्रोम का जो नाम निकल कर आया वो जरूर याद रखेगा, ये निकल कर आया यहां पर क्यूबा से, ठीक है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार बातें पूछ भी जाती हैं, तो ये आप लोगों के माइंड में क्लियर रखना है। तो एक ऐसा आर्टिकल है जो कि यहाँ पर रिलेशन को बर्बाद करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं इंडिया, कहीं ना कहीं क्यूबा और यहाँ पर बेसिकली जो यूएसए के जो काफी लंबे समय से सदमे में चले रहे थे, तो आगे कैसे बैलेंस बनाकर चल पाएंगे तो वो एक अलग मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा कल न्यूज में भी रहा, यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर एक काफी बड़ी स्टेच्यू जो है वो अनवील की गई, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर ये स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात की गई यहाँ पर, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं। श्री जो रामानुजाचार्य है उनकी स्टेच्यू यहाँ पर ये अनवील की गई है तेलंगाना के अंदर, ठीक है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये है यहाँ पर, कहाँ पर, ये है यहाँ पर बेसिकली तेलंगाना के अंदर, तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसको अनवील किया गया, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात की जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ गई है जहां पर लग रहा था कि एक्सटेंट हो जाएंगे टाइगर, अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो याद रखिएगा राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं गया था यहाँ पर, जब मैंने बेसिकली राजस्थान का जब पीसीएस का जब मेंस था, मैं यहाँ पर गया था, मेरा बहुत मन था, मैंने कहा देखने जाएंगे, पर लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया देखने का, फिर वापस आ गया। चलिए कोई नहीं, फिर कभी टाइम मिलेगा जरूर घूमूंगा, टाइम तो मिलता ही रहता है, आगे जिंदगी बहुत पड़ी है। अगर बात करें टाइगर सेंसस के बारे में, याद रखिएगा 2006 में यहाँ पर टाइगर सेंसस के बारे में आप लोगों को याद रखना है, बेसिकली ये था 2006 में टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया गया था पहली बार, 2010 में दूसरी बार, 2014 में तीसरी बार, और 2018 में चौथी बार यहाँ पर टाइगर सेंसस आप लोगों को देखने को मिला। अभी हम लोग खड़े हैं 2022 में, तो पांचवी बार टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया जाना है, इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी आ रखा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तो ये देखने को मिलेंगे। तो इनके नाम आप लोग याद रखते हैं, मतलब फिर का मतलब ये नहीं कि ऐसे पैटर्न में है, पहले मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड, चौथा महाराष्ट्र, इस तरीके से, ठीक है, पांचवा तमिलनाडु, छठा कर्नाटक और यहां पर फिर आसाम, ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर कोई टाइगर सेंसस कंडक्ट कराना है तो ये जो शाम को वीडियो आती है उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कई बार, ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये यहां पर एस्टेब्लिश की गई हमारे देश में, बेसिकली आज के में काम करिए टाइगर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए।
तो यहां पर ये जो बॉडी है बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यहां पर उसके तहत अमेंडमेंट करके यहां पर इसको बनाया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को प्रोजेक्ट टाइगर को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए। और 1973 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर प्रोजेक्ट टाइगर जो है हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था। और याद रखिए उस टाइम केशवानंद भारती केस भी था जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, ठीक है। बेसिक चीज है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में याद रखना। और इसको यहां पर स्टेट लेवल पर जो है बेसिकली यहां पर जो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करती है पर लेकिन सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल लेवल पर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि यहां पर इसको हेड करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए जो है वो रिस्टोर कर रहा है एक तरह से सैंक्शन वेवर, यहां पर कहीं ना कहीं सैंक्शन जो लगा रखे हैं यहां पर उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे क्या रहेगा आने वाले टाइम में जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको यहां पर रिवाइव करते हुए यहां पर ये नजर आएंगे। ईरान न्यूक्लियर डील एक ऐसी डील थी जो कि यहां पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने की डील थी और बराक ओबामा के द्वारा साइन की गई थी और डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर निकल गए थे। अभी यहां पर जो बाइडेन जो है इसको रिवाइव करने का काम कर रहे हैं तो उसके चलते यहां पर इसकी इंपोर्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में आर्टिकल देखने को मिलेंगे जैसे इनके रिलेशन जो है थोड़े से शांत होते हैं। अभी यहां पर जो भी लोग अटैक कर रहे थे यहां पर बेसिकली अभी क्या हुआ 1 फरवरी 2021 में यहां पर जो कि यहां पर म्यांमार है उसमें मिलिट्री रूल आ गया। अब वो मिलिट्री रूल के खिलाफ जनता ने यहां पर प्रोटेस्ट किया तो अभी ये माना जा रहा है कि कई सारे विलेज जो कि एंटी कूप यानी कि जिनके द्वारा यहां पर जो मिलिट्री का जो कू है उसके खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया लगभग ये माना जा रहा है कि 800 के करीब होम है वहां पर जला दिए गए हैं। समझ रहे आप लोग यहां पर म्यांमार के अंदर जो खस्ता हालत इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये काफी बुरी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कुछ ये बेसिक आर्टिकल थे आप लोगों के सामने। बाकी यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नव्य के द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए इनको आप लोग देखते हैं। आजकल में यूरो यूज करने वाली जो करेंसी है यहाँ पर कंट्री वो 19 है बेसिकली, ठीक है। वीटो पावर जो है आर्टिकल 27 के अंदर देखने को मिलेगी। गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो रहती है वो आर्टिकल 213 में है। वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 123 में रहती है सेंट्रल की ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश बनाने की पावर, ठीक है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में बात की थी मैंने। प्लानिंग कमीशन जो है वो रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2015 में और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1950 में और फिर नीति आयोग के बारे में मैंने बता दिया। देखिए वीडियो को आप लोग बता सकते हैं अपनी बेसिकली एक बच्चा बोला है सर आजकल तो वीडियो लाइक करने में मजा आ रहा है क्योंकि वीडियो को लाइक करते हैं उसमें ना एक अब रेड सा वो आता है थोड़ा सा है मतलब नहीं फीलिंग देने वाला कुछ अच्छा काम किया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर फीडबैक जरूर दिया करो इससे अच्छा लगता है। वीडियो एक तरीके से यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो कैसी है, ठीक है। तो ये यूट्यूब को फीडबैक रहता है इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ताकि वीडियो सही डायरेक्शन में चलती रहे, ओके। बाकी यहाँ पर कई सारे और भी छोटी छोटी बातें थी जैसे गुनिया के बारे में पूछा था यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है कॉन्टिनेंट एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा था, ठीक है। लोकपाल के बारे में लोक इसी के साथ में लोकायुक्त का आर्टिकल था काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामानुजनचार्य के बारे में बात की तो यहाँ पर 1017 में इनका जन्म हुआ था। ये एक तरीके से वैष्णव कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट है। इसी के साथ में स्टेच्यू ऑफ जो इक्वलिटी बनाई गई 216 मीटर की, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको अनिवल किया गया हैदराबाद के अंदर में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टेचू है वो है 182, तो उसे समझ सकते हैं उसे काफी ऊंची है यहाँ पर ये, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ में मनोज सिन्हा जी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये बेसिक चीजें हैं। और बाकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में पूछा गया था ग्लासगो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहां पर जो 27वीं होने वाली है वो इजिप्ट में और 28वीं होने वाली है यूएई में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 हुई थी बर्लिन जर्मनी के अंदर में और 8 हुई थी दिल्ली के अंदर में, तो ये जरूर याद रखिएगा। काफी अच्छे से डिटेल में आंसर दिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे जो यहाँ पर सेहत के बारे में, तो सेहत किसका है यहाँ पर, तो ये डिफेंस का है, मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था जो शाम को वीडियो आती है अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ा भी था, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर पूछा था ये सारे जो जो भी एंग्लो वॉर हुई थी मैंने मैच कर आप लोगों को यहाँ पर बताया था, ठीक है। जो स्टैटिक पोर्शन कवर करते ना करंट और स्टैटिक का पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी 1921, तो इंपॉर्टेंट है तो आंसर इसका सी है लाला लाजपत राय जी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज आप लोगों को एक जो मैंने बोला केस स्टडी दूंगा उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।